आपने कई स्रोतों के माध्यम से ये सुन ही लिया होगा कि मॉन्स्टर वर्स में शिमू नाम का भी कोई टाइटन रहता है। यूं तो सभी ये मानते आ रहे हैं कि गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। इस जैसा विशाल, ताकतवर तथा चालाक काइजू कोई और नहीं। भले ही किंग गिद्दोरा इतना विशाल और शक्तिशाली था, पर गॉडजिला की ताकत ने मॉन्स्टर जीरो को भी झुका दिया। यहाँ तक कि चाहे ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, किसी न किसी कारणों की वजह से उसने गॉडजिला से मात ही खाई है। और अपडेटेड गॉडजिला तो अब और भी एडवांस तथा शक्तिशाली बन चुका है, इसलिए कईयों को लगता है कि अब तो गॉडजिला का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर इतिहास गवाह रहा है कि गॉडजिला अपने हर मूवी में दुश्मनों के हाथों से पिटा है, पर आज तथा आने वाले मूवी में गॉडजिला का मुकाबला एक ऐसे टाइटन से होने वाला है जिसे मॉन्स्टर जगत का गॉडफादर कहा जाता है, तथा इनसे खतरनाक आपने शायद किसी भी टाइटन को ना देखा हो। नहीं, हम स्कार किंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द फाउंडिंग टाइटन शिमू की। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप जान सके कि गॉडजिला अगर मॉन्स्टर किंग है तो शिमू गॉडफादर। और क्या हो अगर किंग तथा गॉडफादर आपस में उलझ पड़े, किसकी होगी जीत, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करें कि शिमू कौन है, ये कहां से आया है और क्या सच में ये इतना कैपेबल है कि ये गॉडजिला को टक्कर दे सके। बात करें शिमू की तो इसे द फाउंडिंग टाइटन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स में ऐसा कोई भी टाइटन नहीं जिसकी उत्पत्ति शिमू से पहले हुई हो। शिमू वो कारण है जिसके कारण धरती में मॉन्स्टर्स का विकास हुआ है। वैसे शिमू के उत्पत्ति के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, पर माना जाता है कि करोड़ों सालों पहले धरती पर दूर कहीं अंतरिक्ष से एक ऐसे परग्रही दानव का धरती पर आगमन होता है जिसने न जाने ऐसे कई टाइटन्स को इस मॉन्स्टर वर्स में बनाया जिसकी व्याख्या भी नहीं करी जा सकती। इसके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर की बात कर लें तो उनकी शक्तियों को आका नहीं जा सकता। अब चाहे वो शक्तिशाली गॉडजिला ही क्यों ना हो, ये भी शिमू का एक अंश मात्र ही है, इसलिए इसकी ताकत की क्या सीमा होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बात करें शिमू के शारीरिक बनावट की तो हाल ही में गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज रिलीज किए गए हैं, जिनमें हम शिमू को भी देख सकते हैं, जो आकार में गॉडजिला तथा कॉन्ग से भी कहीं अधिक विशाल तथा हल्के ब्लू एंड व्हाइट रंग का दिख रहा है। इस फाउंडिंग टाइटन के पीठ पर भी ठीक गॉडजिला की तरह डोर्सल प्लेट लगे हुए हैं। इसकी पूंछ भी बहुत बड़ी है जिसके अंत में त्रिशूल समान संरचना बनी हुई है। साथ ही यह डोर्सल प्लेट इसके पूरे पूंछ से लेकर इसके सिर तक जा रहे हैं, और गौर किया जाए तो इसके एल्बोज में भी ठीक अपडेटेड गॉडजिला की तरह स्पाइक्स निकले हुए हैं। यानी जिस गॉडजिला में कई सालों के पश्चात इतने परिवर्तन आए, जैसे कि इसके डोर्सल प्लेट्स का इतना बढ़ जाना, इस पर मैंजेटा रोशनी का लगातार चमकते रहना तथा इसके एल्बोज पर भी स्पाइक्स निकल आना, वही शिमू के पास वो सभी चेंजेस पहले से ही हो चुकी है। हॉलो अर्थ में आपने दो प्रकार के एनर्जी कलर को देखा होगा, मैंजेटा या थोड़ा पिंक, जिसका इस्तेमाल या इसे सोखना अब गॉडजिला को आ गया है, वहीं दूसरा नीला, जो बेशक शिमू के डोर्सल प्लेट से हमेशा रोशनी निकलती रहती है, और शायद यही रोशनी आपने ट्रेलर में एक जगह देखी होगी। अगर आपने पिरामिड वाले दृश्य को देखा हो तो वहाँ कुछ नीले क्रिस्टल सी रोशनी आ रही थी, जो बेशक कॉन्ग के तो डोर्सल प्लेट नहीं हो सकते और न ही अब गॉडजिला के हैं, तो फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही थी। साथ ही रिक्टर स्केल में जिस तरह का ग्राफ बन रहा था, उतनी इंटेंसिटी की भूकंप कॉन्ग के आने पर तो नहीं बन सकती, ये तो कोई 1000 या 2000 फीट जितना विशालकाय प्राणी के आने या तबाही मचाने पर हो सकता है। और GXK के ऑफिशियल टॉयज को भी देखें तो शिमू का आकार 400 फीट वाले गॉडजिला से 2 से 3 गुना ज्यादा विशाल है, यानी 1000 फीट जितना। तो हो सकता है कि इजिप्ट पर आई भूकंप शिमू के वजह से हुई हो, या ये सिंपल हॉलो अर्थ के क्रिस्टल्स हो। और भी मूवी में दिए गए कई ऐसी हिंट है जो बताती है कि इस मूवी में शिमू के दर्शन होने वाले हैं, जैसे कि स्कार किंग जब हॉलो अर्थ से ब्राजील के कोस्ट पर आता है तब शायद वो सी शोर फ्रोजन हो चुका था, वरना इस प्रकार सा क्रिस्टल सा व्हाइट वाटर किनारों पर नहीं बनती। इसके अलावा स्कार हॉलो अर्थ में जिस जगह रहता है वहां चारों तरफ लावा बहती रहती है। अब इसका यह भी कारण हो सकता है कि शिमू लावा को फ्रीज नहीं कर पाता होगा, इसलिए चालाक स्कार ने इस जगह को अपना घर बनाना उचित समझा, ताकि शिमू पर अगर ये कंट्रोल खो भी दे तब भी इसके इलाके को शिमू फ्रीज ना कर पाए। और केव पेंटिंग्स तथा ये ऑफिशियल टॉयज साफ साफ इशारा करती है कि शिमू हमें मूवी में दिखने वाला है,
पर इसकी पावर्स क्या होगी, क्योंकि शक्तियों के बिना एक टाइटन कुछ भी नहीं और ये तो एक फाउंडिंग टाइटन है। इसलिए बात करें सीमू के पावर्स की, तो सीमू फिजिकली इतना विशाल है जिसके सामने न तो गॉडजिला, न ही कॉन्ग, न ही स्कार और न ही मॉन्स्टर जीरो है। किसी ड्रैगन की तरह दिखने वाला सीमू के पूंछ ही इतने विशाल है जितने बड़े तो दूसरे टाइटन्स हुआ करते हैं। और इसके पूंछ पर लगे स्ट्रक्चर को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एंकिलोसॉरस की टेल स्वाइप लीथल होती है, ठीक उसी प्रकार सीमू के टेल स्वाइप से तो कॉन्ग को भी घातक चोटें आ सकती है। सीमू पूरे मॉन्स्टर जगत का पहला और एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसके पास बर्फ की शक्ति है और उस शक्ति की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है जिससे ये पूरे धरती पर ही आइस एज लाकर रख दिया था। यानी एक और जहां गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में आकर पूरे शहर को जला सकता है, वहीं सीमू पूरे धरती को बर्फ के गोले में तब्दील कर सकता है। ये बात सभी जानते हैं कि गिद्दोरा भी दूसरे ग्रह से आया था और इसकी ओरिजिन में भी हम बात कर चुके हैं कि इसने धरती पर आकर अपना राज कायम करना चाहा, पर किसी ने उसे आइस के क्रिस्टल में बदलकर लाखों सालों तक धरती में दफन कर दिया। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता और अब तक वो कारण अननोन थी, पर अब साफ है कि धरती पर आए घुसपैठिए मॉन्स्टर जीरो की उसकी औकात द सीमू ने ही उसे बर्फ में जमा कर दिखाई होगी, जिस आइस क्रिस्टल पर मॉन्स्टर जीरो की ग्रेविटी बीम भी काम नहीं आई। जिस प्रकार गॉडजिला के पास उसका एटॉमिक ब्रीथ है, हो सकता है कि सीमू के पास भी कोई आइस ब्रीथ हो और ये जब अपने डॉर्सल प्लेट को एक्टिव करके ज्यादा मात्रा में अपनी एनर्जी को खत्म कर दिया होगा तब धरती पर आइस एज आ गई होगी और उसी थकान को मिटाने के लिए सीमू कई सालों से गॉडजिला की तरह हाइबरनेशन स्टेट में गया होगा, पर अब ये जाग गया है और स्कार किंग के अज्ञात कारणवश इशारों पर ये धरती पर तबाही मचाने निकला है। क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हमें एक अननोन पैर या कोई क्रिस्टल दिखाए जाते हैं जो किसका है हमें नहीं पता, और इसी सीन से एक बात निकल कर आती है कि सीमू की सुपर पावर्स में से एक क्रिस्टल अटैक भी हो सकता है, ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, तभी तो इसकी एंट्री दूसरे किसी प्लेनेट से हुई है। इसमें भी रीजनरेशन तथा सबसे अलग लाइफ फॉर्मेशन की भी पावर हो, क्योंकि धरती पर इसी ने टाइटन्स को बनाया है। अब अगर बात करें अपडेटेड गॉडजिला यानी पिंक हो चुके गॉडजिला की, तो हम जानते हैं कि गॉडजिला अपने हर मूवी में थोड़ा बढ़ता ही जाता है। जैसे कि साल 1954 में ये महज 19 मीटर का था, वही साल 2014 में दिखा गॉडजिला जो कि उस समय से कईयों का फेवरेट बन चुका था, वो करीब 108 मीटर या 354 फीट का हो चुका था। और गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर का खतरनाक गॉडजिला साल 2019 में बढ़कर 390 फीट तक हो गया था। वही साल 2021 में दिखा गॉडजिला थोड़ा और बढ़कर 394 फीट का हो गया था। यानी इस बात की भी ज्यादातर संभावना है कि टीएनई में दिखने वाला गॉडजिला भी 400 फीट से भी ज्यादा विशाल होगा। इसी के साथ शायद इसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि नए गॉडजिला में गौर किया जाए तो इसकी लंबाई तो बड़ी है पर यह पहले के मुकाबले ज्यादा ही पतला लग रहा है। लेकिन यह इसके फायदे की ही बात है, क्योंकि अब गॉडजिला पहले के मुकाबले ज्यादा फास्ट एंड अजाइल हो चुका है। यही वजह है कि ये कॉन्ग से भी तेज भागता दिख रहा है। एक और जहां दूसरे कई गॉडजिलास मूवी में इसके बाजुओं को काफी छोटा दिखाया गया था और छोटे आर्म्स होने की वजह से गॉडजिला हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, यही वजह है कि गॉडजिला और कॉन्ग के हुए बीच के मुकाबले में कॉन्ग ने गॉडजिला को बैटल में तारे दिखा दिए थे, जबकि स्ट्रॉन्ग कौन है सभी जानते हैं। पर फंक्शनल आर्म्स न होने की वजह से गॉडजिला को मजबूरन कॉन्ग पर एटॉमिक ब्रिज छोड़ना पड़ता है, लेकिन यदि कॉन्ग्स की आर्म्स थोड़ी फंक्शनल होती तो ये बहुत ही इजीली कॉन्ग को डिफीट कर देता। पर अब गॉडजिला की आर्म्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा विशाल और फंक्शनल हो चुके हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि इसकी आर्म्स इंसानों की तरह बड़ी हो चुकी है। और बस इतना ही नहीं, इन आर्म्स की एल्बोस पर मैंजेटा रंग की चमकती डॉर्सल प्लेट भी लगी हुई है जो इसके आर्म्स को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती होगी। इसके साथ ही हमें गॉडजिला में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है इसके पूंछ से लेकर गर्दन तक उभरी हुई विशाल पिंक डॉर्सल्स, जो स्पष्ट रूप से एनर्जी फ्लो को दिखाने लगती है जब गॉडजिला एटॉमिक एनर्जी चार्ज करने वाला होता है। अगर गॉडजिला का इतिहास उठाकर देखा जाए तो जब भी गॉडजिला किसी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से लड़ा है और मुकाबले में इसकी हार हुई है तब ये समुन्दर के भीतर रेस्ट करने के बाद अपने शरीर में ऐसी एवोल्यूशन होने देता है जो कि इसकी हार की वजह बनी कमजोरी को दूर करने में काम करती है, जैसे कि मेका गॉडजिला की एजिलिटी, फंक्शनल आर्म्स
तथा गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा पावरफुल प्रोटोन स्क्रीम, जो कि गॉडजिला को मार ही देता अगर कॉन्ग गॉडजिला का साथ ना देता। और गॉडजिला की हार की वजह बनी इन्हीं कमजोरियों ने, एवोल्यूशन ने उन्हें दूर कर दिया। यही वजह है कि ना सिर्फ ये फुर्तीला या फंक्शनल है, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तथा एटॉमिक बीम पहले के मुकाबले भी कई गुना ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। वैसे कईयों का मानना है कि ब्लू रंग को सबसे ज्यादा हीट जोन वाला बीम माना जाता है, लेकिन हीट जोन को देखा जाए तो मैंजेटा रंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि इसकी मैंजेटा एटॉमिक बीम में इस दुनिया से अलग किसी दूसरे दुनिया की एनर्जी से बने हीट का फंक्शन थोड़ा अलग होता होगा, और यह हीट ब्लू रोशनी वाले बीम के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होती होगी। क्योंकि बात करें इसके ब्लू एटॉमिक बीम की, तो ये इतना पावरफुल था जिसने धरती से होलो अर्थ तक सुराख बना दिया था, म्यूटो के चीथड़े उड़ा दिए थे। पर यह बीम प्रोटॉन स्क्रीम के सामने काम नहीं आ पाता, क्योंकि प्रोटॉन स्क्रीम को एनर्जी सोर्स होलो अर्थ से मिल रही थी, इसी वजह से ये इतना ताकतवर था। और अब गॉडजिला तो होलो अर्थ पर फैले मैंजेटा रंग वाले इस ऊर्जा के भंडार को पूरी तरह से सोख रहा है, और इस एनर्जी में इतनी ताकत है कि सालों तक चलने वाले एवोल्यूशन प्रोसेस को इसने गॉडजिला में कुछ ही पलों में परिवर्तन ला दिया। यहाँ तक कि इसी एनर्जी सोर्स की पूजा ईवी ट्राइब के लोग किया करते हैं, और इसी एनर्जी सोर्स से शायद एंशियंट वॉर हुई होगी, जिसमें कई गॉडजिला और कॉन्ग मारे गए होंगे। यानी सभी बातों के तरफ गौर करें तो बात चाहे स्ट्रेंथ की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो या अदर स्पेशल एबिलिटीज की, सीमू को हराने के लिए गॉडजिला को किसी चमत्कार की जरूरत होगी, क्योंकि सीमू एक फाउंडिंग टाइटन है। इसमें कई म्यूटेशन पहले से ही हो चुकी है, और सीमू की तरह इवॉल्व होने में शायद गॉडजिला को कई सदियां बीत जाएं, तब जाकर हो सकता है कि ये सीमू की बराबरी कर पाएगा। साथ ही इस बात की भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि होलो अर्थ की एनर्जी में सीमू को हराने और कंट्रोल करने का रहस्य छिपा हो, और तब तक के लिए सीमू को मात दे पाना गॉडजिला के लिए नामुमकिन है। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।